स्कूल 15 किलोमीटर दूर होगा और शराब की दुकान हर एक फीट पर होगी। दलुक न्यूज की टीम इस वक्त कलेक्ट्रेट में है, जबलपुर कलेक्ट्रेट में है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अपनी मांगे लेकर के आई हुई हैं। आपका नाम क्या है? सुरभि जैन। आप क्यों आए हो यहाँ पर? हम नशा मुक्ति के लिए आए हैं। और अच्छा, आपकी मांगे क्या है? एक्चुअली जो दो दिन पहले उज्जैन की घटना हुई है, एक 12 साल की बच्ची के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया, और सबसे बड़ी चीज जिसे हम एक धार्मिक नगरी मानते हैं, वहाँ के लोगों की संवेदनशीलता को देख करके हमारा मन ये कहता है कि इस तरह की संवेदनहीनता, नशे के कारण जो तरह तरह की गंदी चीजें मोबाइल पर लगातार एक क्लिक पे उपलब्ध है, उसके कारण पैदा हुई है। इन सबको सरकार को बंद करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है वो तो आपको अपनी बहने बताते हैं और माता शक्ति। सबसे बड़ी दिक्कत है, हमको बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, और जब इन बेटियों के साथ गलत होता है तो केवल कभी एक लाइन बोलकर कभी मुँह छिपाकर बैठ जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मामा हैं, उन्हें हमारी हालत दिखाई नहीं देती, और लगातार जब दवाइयों की जरूरत है तब दवाइयों की दुकान बंद होती है, लेकिन शराब की दुकान को वो खोल देते हैं। ये हमारे भाई अगर इस तरह के हैं तो ऐसे भाइयों की हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हमने शराब के आहाते बंद करवा दिए हैं, लेकिन जो शराब बिक्री अभी तक बंद नहीं करवाई। एक्चुअली क्या है, शराब के आहाते बंद किए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर अगर वो 10,000 रुपए जमा करता है तो शराब बेच सकता है, चाहे वो किराने की दुकान ही क्यों ना हो। तो आहाते बंद करवाने से क्या होगा? आपने तो गली गली बार खोलवा दिए हैं जो आपने नई नीति के तहत चालू किए हैं। तो आप हर गली चौराहे पर आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, और शिक्षा के मंदिर उनको आप बंद कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह का ही बयान है जो पेपर में आया है, मेरा बयान नहीं है, कि 1,00,000 सरकारी स्कूल बहुत जल्दी 2025 तक बंद कर दिए जाएंगे। केवल 15 किलोमीटर पर एक स्कूल चलेगा जो सीएम राइज होगा। स्कूल 15 किलोमीटर दूर होगा और शराब की दुकान हर एक फीट पर होगी। ये हमारे भैया जी का कहना है जो हमें लाडली बहना कहते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पोस्टर लेके भी खड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ से, क्योंकि कलेक्टेड ऑफिस से कलेक्टर भी निकलते हैं, SDM भी निकलते हैं, उन्हें क्या ध्यान दिया? कैसे ध्यान तो लगभग सभी देते हैं, लेकिन एक्शन लिया नहीं लिया? एक्शन लेना उनका काम, उनको नहीं लगता है कि एक्शन भी लेना उनका काम है। ये सिर्फ अनदेखा करने में सभी लोग यहाँ पे बहुत ही अनुभवी बोलना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक लोग आते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याएं, देश की समस्याएं लेके आते हैं। जैसे आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने अभी बड़ी बड़ी कारों से निकलते देखा, उन लोगों ने पलट के भी नहीं देखा। आम जनता तो फिर भी देख रही है, पढ़ रही है, लेकिन ये काम यहाँ के अधिकारियों का पहले है, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं। उम्मीद तो हम ये बड़े लोगों से ही करके आते हैं। अच्छा, आपका कोई संगठन भी, आपकी कुछ पार्टी है? ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से हम सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, आपने AIMSS लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का शॉर्ट फॉर्म है AIMSS। अच्छा, आपका क्या नाम है? नीतू। आप भी यहाँ पर जो है सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए आए? जी हाँ, इसलिए आए। यहाँ पर कुछ कलेक्टर क्या सुनते नहीं है बात? वैसे तो कहा जाए नहीं सुनते हैं, जल्दी नहीं सुनी जाती हमारी बातें, ना पुलिस सुनती है। जी हाँ, क्या है, अगर नहीं आते फिर क्या करेंगे? आपकी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हमारी मेहनत बिल्कुल नहीं, हम लोग खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे। हम लोग जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे ही नहीं। हम लोग धरना नहीं धर रहे हैं, लेकिन हम उनका इंतजार करेंगे। तो मतलब देखना अभी ये है कि यहाँ पर जो है कलेक्टर आएंगे, महोदय आएंगे, क्योंकि यहाँ कलेक्टेड है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर तमाम जो है अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर बैठे होते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता निमेश मिश्रा, दलुक न्यूज़, जबलपुर।